अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव। You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. Hola, hola, hola. हेलो एवरीवन, तो वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। रेंट अ गर्लफ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, और तो और ये टोक्यो जैसे सिटी में ऑर्डिनरी सी बात है। वहाँ आप सभी रेंट पे गर्लफ्रेंड हायर कर सकते हैं एंड उनके संग डेटिंग पे भी जा सकते हैं। रुको, आप जो सोच रहे हो वो वाले मज़े नहीं, ओनली गर्लफ्रेंड वाले मज़े। लेकिन आप सभी को उसके लिए भी लार्ज अमाउंट में पेड करना पड़ेगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये एनिमे बनाया गया है, रेंट अ गर्लफ्रेंड। ये बेसिकली रोमांस कॉमेडी ड्रामा टाइप का एनिमे है। इसे रिजी मियाजिमा ने राइट किया है, जिन्होंने AKB 49 एंड मोनोनोके जैसे फेमस मांगा को भी लिखा है, और उन्हीं में से एक मांगा है रेंट अ गर्लफ्रेंड, जिसका एनिमे अडेप्टेशन हुआ है और वही हम सभी को दिखाया जा रहा है। तो इसकी स्टोरी काजुया नाम के लड़के पे है, जो 20 साल का हो चुका है एंड उसके लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसका नाम होता है मामी। एंड उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी खुश होता है, जिससे वो सबको बता सकता है कि उसके पास भी गर्लफ्रेंड है। वैसे कहो तो हम भी खुश हैं, है ना? लेकिन जैसे 1 month पूरे होते हैं, वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को डंप कर देती है, क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है एंड उसकी वजह से ब्रेकअप करना चाहती है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से टूट जाता है और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है, और यही सोचता है कि उसने उसको क्यों रिजेक्ट किया। यही सोचते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसे ऐप के बारे में पता चलता है जिससे हम गर्लफ्रेंड भी हायर कर सकते हैं, और वो एक गर्लफ्रेंड हायर कर लेता है, जिसका नाम होता है चिज़ुरू, एंड शी वॉज सो क्यूट। मुझे भी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए। एनीवेज, हमारा मेन कैरेक्टर चिज़ुरू को ले जाता है अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए, और जब उसके पेरेंट्स चिज़ुरू से मिलते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं, और वो यही सोचते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली कहाँ से, जिसकी वजह से चिज़ुरू उन्हें पसंद आ जाती है एंड उसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसके संग ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, और धीरे धीरे उसे चिज़ुरू से प्यार होने लगता है। लेकिन चिज़ुरू के मन में हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही होती है। और फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, जिस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर के संग ब्रेकअप किया था वो वापस आती है और कहती है उसे हमारे मेन कैरेक्टर से दूर जाने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या मिस कर रही है और उसे किससे ट्रू लव है, ये वो उससे दूर जाने के बाद उसे पता चलता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को रेंट वाली गर्लफ्रेंड ही पसंद है, अब वो उसके लिए फीलिंग्स छोड़ चुका है, तो वो कैसे उसके संग रिलेशनशिप में जा सकता है। और इसी में एक तीसरी लड़की भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर से प्यार करती है, और वो किस बेसिस पे हमारे मेन कैरेक्टर से प्यार करती है ये आपको ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड चिज़ुरू क्या उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये आपको ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज, इस एनिमे को ज़रूर देखना, इसके अभी तक 2 episode रिलीज हो चुके हैं, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दो, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मार ही दो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ आके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ मैं छोटे छोटे मीम्स और क्लिप्स डालता ही रहता हूँ। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, सायोनारा।